आप सीरियसली यार चैनल बहुत डाउन है और मुझे लग रहा है मुझे करना चाहिए। चलो ठीक है, मैं आपको लोकेशन भेज दूंगा, ठीक है, आप एक बार मेरे को कल मिल लो, ठीक है, और फिर इसके बारे में मतलब बिना इसके कुछ होगा नहीं क्या? नहीं Hey guys, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हो। तो आपको और भी अच्छा करने लेके आई आपकी रेट से एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो से। यार आप लोग सोच ही रहे होंगे आज एक कोई नया प्रैंक देखने को मिलेगा, लेकिन आज का जो वीडियो है, आज की जो वीडियो है ना, वो एक प्रैंक वीडियो ना होते हुए एक रियलिटी चीज़ दिखाने चाहती हूँ मैं आप लोगों को। जैसे आप लोगों को पता है मैं बहुत सारी रियलिस्टिक चीज़ें भी दिखाती हूँ, बहुत सारी रियल जो मेरी लाइफ में हुई है, तो क्या करते हैं हम लोग, बस उनका फेस ब्लर कर देते हैं। तो आज की वीडियो कुछ वैसी होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा मजाक, छोटा सा प्रैंक करने वाली हूँ मैं किस पे, एक एयरपोर्ट स्टाफ पे। जैसे आपको पता ही होगा कि मैंने अपने वीडियोस में बहुत बार आप लोगों के आगे शेयर किया कि मैं एयरपोर्ट पे जॉब करती थी। तो आपको बता दूं कि मैं आज प्रैंक करने वाली हूँ अपने एयरपोर्ट स्टाफ पे। बहुत टाइम बाद, आज 2 साल बाद हम लोग मिलने वाले हैं। तो अभी मैंने उन्हें फ़ोन करके मिलने को बोला था सुबह, और उन्होंने एग्री भी है वो लोग मिलने के लिए। तो फिर एक काम करते हैं, उसको फ़ोन करके पूछते हैं वो कहाँ पहुँचे अभी, कहाँ नहीं पहुँचे। तो बहुत ही रियलिस्टिक चीज़ें होने वाली है इस वीडियो में, वीडियो में बने रहना। हेलो हेलो, कहाँ पहुँचे? मैं यहाँ पहुँच गया, लाजपत नगर पहुँच चुका हूँ। लाजपत? तो फिर कितनी देर दिखा रहा है आपको? यहाँ से तो 5 मिनट का ही रास्ता है। यार 5 मिनट का रास्ता, तो आप बोल रहे हो 5 मिनट का रास्ता है, लेकिन यार मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं काफी देर से यहीं घूम रहा हूँ। काम करो, अपनी लाइव लोकेशन भेजो मेरे को। ठीक है ठीक है, मैं आपको लाइव लोकेशन भेज देती हूँ, ठीक है। लाइव लोकेशन में पार्क में हूँ, नीचे ही हूँ, ठीक है। तो आपको मैं दिख जाऊँगी, आप एक बार फिर भी अगर ना आपको समझ आए रास्ता तो मुझे फ़ोन कर लेना, ठीक है। मैं लाइव लोकेशन सेंड कर देती हूँ, ठीक है। मेरे को लाइव लोकेशन भेज दो। ओके, तो यार बंदे ने कहा है लाइव लोकेशन भेजने के लिए, एक बार मैं उसको लाइव लोकेशन सेंड कर देती हूँ। तो यार ये जो वीडियो होने वाली है ना, एक रियलिटी बेस्ड वीडियो है, जो कि मेरे साथ सब कुछ हुआ है एक्चुअल में। तो आप लोगों को शेयर करना बहुत ज़रूरी है, फैमिली मेम्बर्स हो यार, इतना तो बनता ही है। तो लाइव लोकेशन मैं सेंड कर देती हूँ, और वेट करते हैं थोड़ी देर। तो फाइनली फ़ोन आ चुका है, एक बार रिसीव करते हैं, पूछते हैं बंदे से कहाँ पहुँचे कहाँ नहीं। हेलो, कहाँ पहुँचे? यार मैं पार्क के पास आ चुका हूँ, आप कहाँ पर हो मेरे को ये बताओ। हाँ हाँ, सुनो सुनो, पार्क है ना, पार्क दिख गया आपको, गोल चक्कर वाला, तो उसके अंदर। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ दिखाई देगा मेरे को, दिखाई देगी, ब्लैक ड्रेस पहनी है। ओके, कैमरा हाइड कर लेना जरा, है ना। हाय हाय, कैसे हो यार? आज तो बड़े सेक्सी लग रही हो, क्या बात। थैंक यू। वैसे कौन सा मेरे को रोज रोज देखते हो जो आज सेक्सी लग रही है? आप छोड़ के चले गए, अब क्या करें, ऐसी लड़कियाँ दिखाई देती कहाँ। क्यों, एयरपोर्ट पे तो सुंदर लड़कियों की कमी नहीं होती, एयर होस्टेस इतनी सारी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी लड़कियाँ होती है, ब्यूटीफुल। तो सारी आप जैसी थोड़ी ना होते हैं यार, आपका तो अलग ही चार्म था वहाँ पर। हाँ यार, फिर आपको पता है ना मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, तो मुझे रिजाइन करना पड़ा। नहीं, फ्रस्ट्रेट होने वाली तो बात इसमें नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको अच्छा नहीं लगा। चलो ठीक है, लेकिन आजकल क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, आपको पता ही है चैनल वैनल स्टार्ट कर रखा है, तो वीडियोस बनाती हूँ, प्रैंक वीडियोस। मेरे को लग रहा था कि बंदा तुम करके बात करूँ या आप करके बोलूँ, क्योंकि अब तो मैं रिजाइन कर चुकी हूँ, तो नॉर्मल सी बात है तुम करके बात कर सकती हो एज अ फ्रेंड। नहीं, आप करके बात करो यार, अब मेरा प्रमोशन हो चुका है। अच्छा, आप करके बात करूँ? Yes. घमंड वही है पहले वाला, 2 साल पहले ही था जो। यार घमंड तो होना ही चाहिए, जो हम इतना काफ़ी स्ट्रगल जो करते हैं वहाँ पे। स्ट्रगल तो हर लड़की करती है वहाँ पे अपना घर चलाने के लिए, स्ट्रगल तो मैं भी करने आई थी वहाँ पे अपना घर चलाने के लिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स को थोड़ा खुश रखने के लिए, पूरा 12-12 घंटे, मतलब मैंने कभी, मतलब एक्सपीरियंस ही अलग है भाई एयरपोर्ट का, तो मैं क्या ही बताऊँ। पर कभी कभी मन ऐसा करता है कि एयरपोर्ट का जो एक्सपीरियंस है ना, वो पब्लिकली ना एक्सपोज कर दूँ यार, कि क्या क्या हुआ था। एक्सपोज कर क्या मिलेगा यार, अपना जो दोबारा से ज्वाइन कर, मज़ा आता है जो में। बहुत सारी लड़कियाँ करती है, बहुत सारी लड़कियाँ ज्वाइन नहीं करती, बहुत सारी लड़कियाँ क्या करती है वो आपको अच्छे से पता है। पता मेरे को, लेकिन आज उनको देखो ना, जो लड़कियों ने थोड़ा कॉम्प्रो करके चली, आज उनका नी इंक्रीमेंट हो चुका है, वो आगे जा चुकी हैं। कॉम्प्रोमाइज यू मीन? Yes. हम हमेशा की तरह, मुझे पता नहीं था 2 मिनट तुम्हें आए नहीं हुए, और 2 मिनट में तुम ये सब बातें बोलो। यार सबको करना पड़ता है, देखो कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है इंक्रीमेंट के लिए, ऐसा नहीं है, घर सबको चलाना पड़ता है। टैलेंट हो तो फिर ये सब करने की जरूरत नहीं है, मुझे तो ये लगता है। अगर लड़की में टैलेंट है, हर जगह टैलेंट कहाँ काम आता है यार। राजनीति में चले जाऊँगा, टैलेंट काम आता है? नहीं आता ना। एजुकेशन कितनी पढ़ाई करूँगा, टैलेंट काम आता है? नहीं आता। कहीं ना कहीं तो झुकना पड़ता है, झुकना पड़ता है, लड़की को झुकना पड़ता है यार, थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा यार। अच्छा छोड़ो यार, क्या हम इतना कुछ करते हैं, थोड़ा बहुत हमें भी तो सेवा का मौका मिलना चाहिए। क्या करते हो आप लोग, क्या नहीं करते हम? Please, आप लोगों के लेट मी नो।
क्या करते हो आप लोग? आप लोगों के लिए हर चीज़ की सुविधा देना, घर से ले के आना, घर पे छोड़ना, हमारी कंपनी आप लोगों के लिए कितना कुछ करते हैं। जब आप ज्वाइन किया था आपने? ज्वाइन किया था मैंने, बहुत खुशी से ज्वाइन किया था कि सीरियसली ये मेरी एयरपोर्ट पे जॉब लग गई। मेरे मम्मी पापा इतने खुश थे कि लड़की की एयरपोर्ट पे जॉब लग गई। वही होता है ना, दूर के ढोल है ना सुहावने होते हैं, जब हम अंदर एंटर कर जाते हैं ना तो हमें पता चलता है कि एयरपोर्ट की सच्चाई क्या है, एयरपोर्ट क्या है। यार सब जगह होता है रिट्स, अब तुम्हारे साथ क्या स्पेशल हो गया यार? छोड़ो मुझे ना, आपसे ना सब जगह होता है, आई नो सब हर जगह यही होता है, लेकिन कुछ में कितना कमा लेती हो? चलो उसको छोड़ो, आप YouTube में कितना कमा लेती हो? कमा लेती हूं, शुरू किया मैंने सुना है, चैनल स्टार्ट किया है, मतलब यार खर्चा पानी निकल जाता है, ठीक है काम चल रहा है, एटलीस्ट ये तो नहीं है कि मुझे झुकना पड़ेगा। तो झुकने वाली बात नहीं है, थोड़ा ग्रो करने कॉम्प्रोमाइज। कल को इस YouTube के बेस पे भी आप जाओगे, एक स्टैंडर्ड लेवल पे जाओगे, क्या तब आपको वहाँ पे भी कॉम्प्रो करना पड़े? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्यों, यहाँ तो YouTube पे हमारा टैलेंट नहीं चल पाएगा? मेरा खुद का ही टैलेंट है, मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, मैं खुद के टैलेंट से ही पहुँची हूँ, मुझे कोई है थोड़ा बनाने वाला, चाहे मैं यही पे हूँ, सिर्फ मैंने एक ही सीढ़ी क्रॉस किया है, 1 मिलियन हो चुके हैं मेरे कल, तो एक ही सीढ़ी तक पहुँचने के लिए ना मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, और ये तो पहली सीढ़ी थी, इसका मतलब ये थोड़ा मैं यहाँ पे कुछ करके आई हूँ। नहीं तो देख फिर भी तेरे से कितना कमा लेते हैं, तू सुबह से शाम तक यूट्यूब की वीडियो बना लेते हैं, मिलता क्या है? कुछ नहीं। मैंने ना कुछ लोग खुश हो जाते हैं देख के, हंसते हैं बस। यार सच बताऊँ मैंने आपको किस पैसे की है ना, आपको वैल्यू है पैसे की? आपको लग रहा होगा कि मैंने इसलिए बुलाया कि मैं उन चीज़ों के लिए रेडी हूँ, तो मैं सच बोल रही हूँ, रेडी मैं रेडी हूँ उन चीज़ों के लिए, क्योंकि ना यार अभी ना चैनल अब बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है, और अर्निंग का सोर्स कहीं से है नहीं, तो मैं सोच रही थी वापस मैं एयरपोर्ट पे ज्वाइनिंग कर लूँ, और वापस ज्वाइन कर लूँ एयरपोर्ट, क्योंकि चीज़ें ना बिगड़ चुकी है, सही चल नहीं रहा है सब कुछ। आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अभी यू आर मोस्ट वेलकम। तो आप करवा दोगे? नहीं, क्योंकि आपको पता है 2 साल हो गए मुझे गैप हो गया, तो फिर टाइम लग जाएगा ना, कि इतने सारा प्रोसेस होता है एयरपोर्ट का, इतने राउंड्स के लिए बैठे हैं, फिर हम इसलिए तो बैठे हैं। आप एक बार मेरे को कल मिल लो, मैं आपको बता दूंगा कहाँ मिलना है। अच्छा कल मिलूं? कल मिल लो एक बार, कहाँ पे मिलूं? कहाँ आपको फोन कर दूंगा, आप मेरे को मिल लो एक बार। कहाँ मिलना है वही पूछ रही हूँ। मिलते हैं होटल में, क्लियर बोलो, होटल में मिलना है? मिल लेते हैं होटल में, मिल लेते हैं। अच्छा कल आप, मैं आपसे होटल में मिलूं डिनर, यू मीन रात को, मैं कल रात को आपसे मिलूं, और फिर परसों से आप मेरी ज्वाइनिंग करा दोगे? मतलब देना देना चलेगा यार। यार देखो 2 साल हो गए, तुम्हें टाइम भी हो गया। मैंने ना बहुत सारी चीज़ें मैनेज की, आपको पता है ना, पता है मुझे कभी कभी ऐसा लगा कि आप लोगों में ना, एयरपोर्ट वाले लोगों में ना इंसानियत ही नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि अगर लड़की ने मना कर दिया ना यहाँ पे, तो क्या होगा, तुम उसकी गलत शिफ्ट लगाने लग जाओगे, 12 घंटे की शिफ्ट लगाने लग जाओगे, क्या करोगे कि 12-12 घंटे लड़की की ऐसी तैसी करोगे, ताकि लड़की इतना प्रेशर, लड़की को इतना प्रेशर दे दो, लड़की इतना डिप्रेशन में चली जाए कि वो रिज़ाइन कर दे, या फिर यार कुछ लड़कियाँ ऐसी होती है जो हाँ कर देगी, और कुछ लड़कियाँ रिज़ाइन कर देगी, तो मुझसे नहीं हुआ वो चीज़ें बर्दाश्त ना, इसलिए मैंने रिजाइन कर दिया। बट अब सीरियसली यार चैनल बहुत डाउन है, और मुझे लग रहा है मुझे करना चाहिए। चलो ठीक है, मैं आपको लोकेशन भेज दूंगा, ठीक है आप एक बार मेरे को कल मिल लो, ठीक है, और फिर इसके बारे में, मतलब बिना इसके कुछ होगा नहीं क्या? नहीं यार देखो, थोड़ा बहुत तो मिल बांट के करना ही पड़ता है, अब काफ़ी आपको 2 साल हो गए, उस चीज़ के बारे में थोड़ा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, एक चैनल छोड़ के थोड़ा डिप्रेसिव, आपका चेहरा भी बता रहा है, थोड़ा स्ट्रगलिंग दिखाई दे रहा है, कि इस टाइम तुमको नीड है, तो थोड़ी हमें भी नीड होती है उस चीज़ को, मैं भी आगे सके जो मेरे तो यार नीड के लिए आपके पास और सारी लड़कियां हैं ना जो एग्री है, और सारी लड़के वो जो कर रही हैं वो कर रही हैं, अब वो आप जैसी तो नहीं है ना, इतनी गुड लुकिंग, और आपका वे ऑफ टॉकिंग, यू सो लुकिंग सो प्रेटी एंड यू सो फ्लुएंट इंग्लिश इन एवरीवेयर, और आप जैसी लड़कियों की हमारे एयरपोर्ट पर काफ़ी जरूरत है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ? मैंने आपसे छोटा सा मजाक कर रही थी, मैं इमोशनल नहीं होना चाहती यहाँ पे, मुझे पता है कि मैंने रिज़ाइन कैसे किया, मैंने ना मजाक करने के लिए बुलाया था, मैं छोटा सा प्रैंक कर रही थी आपके साथ। माना मेरा चैनल बहुत डाउन है, हर चीज़ थोड़ा दिन बहुत बुरे चल रहे हैं, आपको पता है लॉकडाउन भी हो गया, इतनी चीज़ें हो गई, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पैसों के लिए बिक जाऊँगी, आई समझ, मैं पैसों के लिए बिक जाऊँगी ये सोचा था ना। डाउन करो थोड़ा, एक मिनट, कौन हो आप? क्या मैं आपके अंडर काम करती हूँ? मेरे अंडर काम नहीं करते, फिर भी स्टेटस। क्या मैं तुम्हारे अंडर काम करती हूँ? मुझे नहीं पड़ता। क्या मैं जॉब करती हूँ? नहीं। तो कौन हो तुम? Who the bloody hell are you? है कौन तुम? मांगने के लिए आए थे ना मेरे पास तुम? मैं मजाक कर रही थी तेरे साथ। किस चीज का मजाक? मैं मजाक कर रही थी, मैंने कैमरा लगा रखा था, एक्सपोज ही कर रही हूँ तुझे, तुझसे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा इससे? सुन, वो देख कैमरा सामने देख, अब YouTube पे जब तेरी ये वीडियोस आएगी ना, आराम से तू चिल रहा है, तू चिल रहा है, कल पता चलेगा तुझे, कल तू तेरी जो सारी चिलनेस है ना, ये कल सारी खत्म हो जाएगी, जब लोगों को पता चलेगा ना कि ये है एयरपोर्ट की असलियत, ये लोग क्या करते। एक तू चुप रहा है,
भाड़ में जा तू, तेरी तेरी जैसी बहुत आई और गई, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, अब पता चलेगा कल। फॉरगेट अबाउट इट, 1 मिलियन फैंस है मेरे, 10 लाख, और ऐसी वीडियो सब देखेंगे ना जब पता चलेगा कि रियलिटी दिखाई है। ज्यादा क्या होगा, जो क्या होगा, सस्पेंड किया जाएगा कुछ दिनों के लिए, उसके बाद तू दोबारा लग जाएगा। तेरी जो इमेज, मतलब तुझे अपनी इस शक्ल से, अपनी इमेज से प्यार नहीं है, तेरी खुद की कोई इज्जत नहीं है, जहाँ पे थूकते वही चाट लेते हो, वही तो है। मत करो, अपनी परवाह करो, मेरी इज्जत की। अगर तेरे को जॉब चाहिए तो ज्वाइन कर लो, कोई मैं करवा दूंगा। मेरे को जॉब करनी है और तुम लोगों के अंडर, अबे थूकू ना मैं ऐसी नौकरी को, तू खड़ा है ना, खड़ा हो, ये मेरा एरिया, निकल यहां से, एरिया से खड़ा हो, खड़ा हो, फटाफट यहां से खड़ा हो, पब्लिक एरिया है, पब्लिक, यस। तू लायक नहीं है मैं तुझसे बात करूं, मैंने तुझसे सिर्फ तेरी तेरा शक्ल, तेरी शक्ल दिखाने के लिए लोगों को ना कैमरा लगाया था, समझा तू? मेरे दिमाग से अटक रहा है, तू निकल यहां से। मेरे दिमाग से अटकने से मेरा कुछ नहीं होता, तेरा तेरे को पता चलेगा ना कल, तेरे को पता चलेगा कल। अगर तू सोचती है ना मैं डर जाऊंगा, फॉरगेट अबाउट इट, कल पता चलेगा जब तेरी शक्ल के साथ यूट्यूब पे जाएगी वीडियोस कि तू लड़कियों का यूज करता है और लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज के लिए कन्वेंस करता है, और लड़कियां जो लड़कियां मजबूर होती है, जिनके पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं होते, वो लड़कियां कॉम्प्रोमाइज कर लेती है, और वो लड़कियां क्या करती है कि हाँ मैं खुश हूँ, मैं एग्री हूँ, और तुम उनका प्रमोशन करा देते हो और हर दिन उनके साथ क्या करते हो, तुझे पता है ना अच्छे से। किसको फोन मिला रहा है, किसको मिला रहा है फोन? कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। तुझे कल बहुत सारी लड़कियां आती हैं, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक नॉर्मल लड़की नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल लड़की नहीं हूँ, जो होता है ना वो कर। मैं यूट्यूबर हूँ, और एक यूट्यूबर की पावर है ना जो तुझे कल पता लग जाएगी। Okay, कल तेरी शक्ल के साथ जब वीडियो आएगी ना, और तेरी ये सारी बातें ना सारी रिकॉर्ड होगी, मेरा एड्रेस भी डालना अपनी वीडियो में, तेरे हर चीज डालूंगी मैं, तेरी शक्ल के साथ डालूंगी, मेरा एड्रेस, मेरी शक्ल, सब डालूंगी, फोन नंबर, सब डिटेल देना वहाँ पे, पता चलेगा ना तेरे को कल पावर क्या है यूट्यूबर की, तुझे कल पता चलेगा ना, हमारी पावर देखेंगे ये लोग, वीडियोस देखेंगे, बहुत सारे फिरते हैं ऐसे ऐसे यूट्यूबर यार, छोटे मोटे, चल चल चल, कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे लिए ना छोटे यूट्यूबर, अच्छा करके दिखाना 1 लाख फैंस, तुझे पता चलेगा, जब तेरी फटेगी ना तब तुझे पता चलेगा, करके दिखाना, देखते हैं किसकी फटे किसकी नहीं फटेगी, उसके कोई फर्क, मेरी इमेज की, मेरे को कोई वो नहीं है, मेरी कोई इमेज नहीं खराब होने वाली, मैंने तो रियलिटी दिखाई है, मैंने तो सच्चाई दिखाई है कि तू लड़कियों के साथ क्या करता है, कि उनको कॉम्प्रोमाइज के लिए तू फोर्स करता है, फिर लड़की जिनके पास पैसे नहीं होते, जो लड़कियां मजबूर होती है, फिर वो क्या करती है, खुश हो जाती है, उन लड़की हाँ, लेके आती ना, जो तेरे साथ ग्रुप बना के लेके आती, मुझे पता ना, लगता ना, सारी कॉन्टेक्ट लिस्ट में वो लड़कियां है एयरपोर्ट की, जिनको तूने फोर्स किया, FIR करो ना, क्योंकि वो लड़कियां मजबूर होती है। मैं इतनी मजबूर नहीं थी कि मैं अपना करेक्टर गिरा दूं, तो समझा, मत गिराना, तू अपना FIR करना, ये यूट्यूब की वीडियो बनाने से क्या होगा, अपने आप हो जाएगा, जो भी होगा अपने आप हो जाएगा, वो पब्लिक में इतनी ताकत है ना, पब्लिक में इतनी ताकत है ना कि पुलिस वुलिस सब पीछे है, अपने पता लग जाएगा, देखते तुम्हारी पब्लिक, समझा, और अब ये जब सारी जगह पैसा चलता है ना, पब्लिक भी है ना पीछे ही रहती है, कोई नहीं, तुझे कैमरे से भी डर नहीं है, तुझे हर चीज से डर नहीं है, तुझे कल पता चलेगा तेरी शक्ल के साथ जब जाएगी वीडियो, चल चल जाने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, तू अपना काम कर, सुन, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? मेरे घर में सब कुछ है, उसे तुझे क्या, छी यार, मेरे घर इंसानियत खत्म हो गई है क्या तुझमें, मेरे अंदर इंसानियत तो, उसे तुझे क्या, तू जो मांगने के लिए आई थी ना, मैं सिर्फ तुझसे मजाक करी थी, तेरी घटिया 2 टके की 2 कोड़ी की जॉब मेरे को घंटा नहीं चाहिए, घंटा नहीं चाहिए, शाम तक पता नहीं कितने करते हैं, तेरे को जॉब से निकालने का मतलब यही है, तुझसे रिजाइन करवाया गया, तूने किया नहीं था, तुझसे रिजाइन करवाया गया था, तेरे को परेशान करना था, क्यों करना था, हमें मजा आता परेशान करने में, तुझे मजा नहीं आता, तुझे मिली नहीं ना, तुझे हाँ नहीं की मैंने, तुझे हाँ नहीं की, इसलिए तूने रिजाइन करा दिया, बात तो यही है ना सारी, मिलने ना मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त, अभी तक तो मैं तेरे लिए सब अच्छी थी कि ऐसी लड़की नहीं है, और अब छी यार छी, शर्म कर, बहुत घूमती है, तो चल निकल यहाँ से, निकल निकल यहाँ से, दफा, एरिया हमारा या तुम्हारा उससे फर्क नहीं पड़ता, निकल ना, निकल यहाँ से, अब जाएगी ना, अब तेरे को पता, कल तुझे पता चलेगा एक यूट्यूबर की पावर, पब्लिक की पावर, तुझे कल पता चलेगा, जो लड़कियों को टॉर्चर किया ना तूने, सब पता चलेगा, ज्यादा से ज्यादा जॉब चली जाएगी, वो पता लगेगा ना तुझे, मैं सॉरी बोल दूं उसके लिए, बोल दे सॉरी, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा उससे, मुझसे सॉरी मत बोल, सामने कैमरा लगा हुआ है, पब्लिक देख रही है, उनको सॉरी बोल, जो तू, और वैसे तुझे कौन सा गिल्ट है, तुझे कौन सा शर्म आ रही है, तुझे कोई कोई तुझमें इंसानियत नहीं है, काफी जो बेबी इमेज, अच्छा जो इमेज क्रिएट हो जाएगी ना पब्लिकली, कहीं नौकरी नहीं मिलेगी तुझको, आगे समझ आई, कहीं तू सोच रहा हो कि एक छोटी मोटी चीज समझ रहा है ना, अब तू चाहती है कि मैं तेरे को सॉरी बोलूं, मैं ये नहीं चाहती सॉरी बोलूं, मैं ये चाहती हूं कि तू पब्लिकली एक्सेप्ट करे, सॉरी बोले कि तूने जो जो किया है मेरे साथ किया है, और मेरी मेरी जैसे कितनी लड़कियां ना जाने, मतलब जो
एग्री नहीं हुई, उनको रिजाइन करना पड़ गया। तूने एक बार भी नहीं सोचा उनके, क्या पता वो लड़कियां अपना पूरा परिवार चलाती हो, क्या पता उनके पैसों से 20-25 हज़ार से उनका घर चलता हो। करने चली है, मेरे जैसे और लोग भी होंगे, काफी होंगे, तो उनको भी एक्सपोज कर। मेरे सामने तो तू एक लाइव उदाहरण है, एक जीता जाता एग्जांपल है, मैं तो तुझे एक्सपोज करूंगी ना। और तेरे मैं नहीं चाहती तू सॉरी बोले, मैं चाहती ही नहीं, मैं सिर्फ वीडियो डालूंगी और फिर पब्लिक क्या चाहती है वो अपने आप डिसाइड कर लेगी। यार मैं कुछ नहीं चाहती तुझसे, मैं कुछ नहीं चाहती। वीडियो वगैरह मत डालना। क्या हो गया अब क्या हो गया? मैं अब क्या हो गया? तू वीडियो मत डालना, हाथ जोड़ जोड़ हाथ, मैं हाथ जोड़ता हूं, तू वीडियो मत डालना, सॉरी। कोई बात नहीं, तेरी वीडियो तो डलेगी। नहीं, फेस वैल्यू खराब हो जाएगी यार। फेस वैल्यू? अब तुझे फेस वैल्यू दिखगी 5 मिनट के अंदर? पांच मिनट में तुझे फेस वैल्यू नजर आ गई? वाह, तू कंप्रो कर ले, तेरे को पैसे चाहिए तू बता। ओ वाओ, बता तेरे को कुछ खर्चा पानी चाहिए तो बता। ये देख तालियां बजा रही हूं तेरे लिए, तालियां तालियां। निकल चल यहां से, पहली फुर्सत से निकल। मेरे को अपनी शक्ल ना दिखा मनोज, मुझे तेरी शक्ल से नफरत है यार। मैं सॉरी बोलता हूं तेरे को, तेरे कुछ वीडियो मत डालना। मैं ये नहीं बोल रही एयरपोर्ट पे पूरा स्टाफ खराब है, मैं ये बोल रही हूं तेरे कुछ लोगों की वजह से, तेरे कुछ स्टाफ की वजह से, गिने चुने स्टाफ, पूरा एयरपोर्ट बदनाम हो जाता है। पूरी दुनिया के पेरेंट्स अपनी लड़कियों को एयरपोर्ट पे नौकरी नहीं करने देते, क्योंकि उनकी इमेज खराब होती है कुछ लोगों की वजह से। यहाँ पे मैं सबकी बात नहीं कर रही, कुछ लोगों की वजह से। अब तू एक काम कर, निकल यहाँ से, अब तुझे कल पता चलेगा। नहीं नहीं, तू निकल निकल, कैमरा बंद कर दे यार, कैमरा बंद कर दे, निकल तू यहाँ से, निकल। वीडियो तो डलेगी, वीडियो डलेगी, तू निकल। चल चल, मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ।